हेलो गाइज, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज फॉर 11th। आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये चल रहे हैं। तो इसमें एक टर्म आ रहा है हमको एम्पिरिकल फार्मूला, और उसके साथ साथ मोलिकुलर फार्मूला है। फिर इनको निकाल डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला का क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी सहायता से हम किसी चीज़ का मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद कुछ स्टोइकोमेट्री को डिफाइन करेंगे, लिमिटिंग एजेंट्स, और फिर उसके बाद कुछ कंसंट्रेशन जो होते हैं उनको डिफाइन किया जाएगा, जैसे मोलरिटी है, पीपीएम है, इस सब को संभव होगा तो इस वीडियो में, नहीं तो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला से देखते हैं। इसके पहले हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अच्छे से। आप उम्मीद है कि आप मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अच्छे से बना रहे होंगे। अगर आपको मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उसको आप कॉमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप से लिख करके भेजिएगा, हम लोग उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करें, ठीक है। तो आइए अपने इस वीडियो में हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला की बात पहले समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने डिफिनेशन लिखा है कि एम्पिरिकल फार्मूला द फार्मूला विच एक्सप्रेसेज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मोलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। आप कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक से अधिक टाइप के एलिमेंट रहते हैं, तो उन एलिमेंट्स का अगर हम लोग सिंबल लेते हैं और उसका सबसे सिंपल रेशियो लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से सबसे सिंपल रेशियो अगर लिखते हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, जनरल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब सिंपल समझिए कि उसका जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ फार्मूला। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखे जाएंगे। और जैसे अब इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए कि C2H2 इथाइन आप जानते हैं, तो इसका रियल फार्मूला हो गया या मोलिकुलर फार्मूला हो गया C2H2। यहाँ हमने मोलिकुलर फार्मूला को भी डिफाइन कर दिया है, हालांकि मोलिकुलर फार्मूला डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसे टॉपिक में रिवाइज करने के लिए हमने दे दिया है, नहीं तो मोलिकुलर फार्मूला तो आप 9th में 8th में 7th में बहुत सारे पढ़े हैं, वही चीज़ है। तो द मोलिकुलर फार्मूला विच एक्सप्रेसेज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। यानी किसी भी कंपाउंड के वन मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक्चुअल फार्मूला होता है, जिसमें एलिमेंट और उनके एक्चुअल नंबर लिखे जाते हैं, वही उनका मोलिकुलर फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं कि C2H2, जैसे C2H2 लिखा गया है तो आप 10th में पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको याद होगा इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं। तो C2H2 लिखने से आप क्लियर हो गए कि ये इथाइन है, एक्चुअल है, तो वो मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइन हुआ, ठीक है। अब इसमें दो एलिमेंट हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन भी दो एटम हैं, हाइड्रोजन भी दो एटम्स हैं, तो अगर इनका सिंपल रेशियो निकाला जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो रहा है, यहाँ पर 2:2 आप कटा देंगे, उसको सिंपल बना देंगे तो क्या होगा, 1:1, और 1 आप लिखते नहीं है, किसी भी सिंबल में 1 नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो सिंबल देने का मतलब ही होता है कि 1 एटम। तो हम सीधा क्या लिख देंगे, सी का भी 1 है, एच का भी 1 है, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CH। तो ये CH हुआ एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमको केवल CH कहा जाए तो CH से हम नहीं समझ सकते कि हमको इथाइन ही कहा जा रहा है, लेकिन अगर C2H2 कहा जाए तो वो हमारा इथाइन है। अब CH से क्या होता है, CH क्यों लिखा जा रहा है जबकि एक्चुअल ये शो कर रहा है, तो ये बताता है कि इसमें से मास के हिसाब से या नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से उसमें सिंपलर रेशियो क्या होगा, जिसके आधार पर आप अदर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, कुछ लोग साइड बुक बनाए होंगे, 9th क्लास में भी तो इस टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ भी आप साइड बुक बनाएंगे तो कुछ मिल जाएगा क्वेश्चन, एग्जांपल में भी एक आध दिए गए हैं। तो उसमें ये देता है कि आपको कोई एलिमेंट कंपाउंड है उसका कुछ परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन के आधार पर आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, और उससे कहा जाता है कि आप इसका मोलिक्यूलर फार्मूला निकालिए।
तो मोलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में एक सिंपल रिलेशन मिलता है कि मोलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एन इन टू एम्पिरिकल फार्मूला। पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर एन हमको काउंट करना होता है, तो छोटा क्वेश्चन रहता है तो उसमें एन डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा। जैसे अगर इस एग्जाम्पल को समझते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया यहाँ पर सी एच, और एन अगर आपको दिया रहे तो कहा जाए कि एक्चुअल मोलिक्यूलर फार्मूला निकालिए, तो क्या करेंगे इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर एटम दो दो हो जाएगा तो सी टू हो जाएगा, एच टू हो जाएगा। तो वो आप निकाल सकते हैं अगर गिवेन तो, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाता है और एन नहीं दिया जाता है अगर, तो वहाँ पर या फिर एन दिया गया है और ये सिंपल रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए परसेंटेज कंपोजिशन के आधार पर निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आप उसको कंपेयर करके निकालना पड़ता है। तो हम लोग उस चीज़ को एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको एन पता हो और एम्पिरिकल मालूम हो जाए तो मोलिक्यूलर निकल सकता है, अगर कभी एन पूछ देता है तो मोलिक्यूलर को एम्पिरिकल से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। और मास के हिसाब से अगर बात करें तो मोलिक्यूलर मास को अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें तो भी आपका एन निकल जाएगा। फिर एक और फार्मूला इससे रिलेटेड मिलेगा, यहाँ पर आप वेट भी लिख सकते हैं, दोनों जगह मास भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में वेट और मास सिमिलर मीनिंग देता है। फिर मोलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना हो तो कहीं कहीं कैलकुलेशन में वेपर डेंसिटी एक टर्म आता है, तो वेपर डेंसिटी के साथ रिलेशन होता है कि टू इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलिक्यूलर मास होता है, या वेपर डेंसिटी को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि हाफ ऑफ द मोलिक्यूलर मास इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो अब इस टॉपिक को समझने के बाद इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकाल लेते हैं। तो आइए अब इस एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को निकालने का तरीका एक देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। किसी कंपाउंड को एनालिसिस किया गया उसके मास के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको दिया गया है कि कार्बन का 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है एंड रेस्ट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको नहीं दिया, रिमेनिंग पार्ट जो भी है ऑक्सीजन है, यानी थ्री एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कह रहा है कि मोलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60, ये दिया हुआ है 60 मोलिकुलर मास, और डिटरमाइन मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको कहा जा रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला निकालिए। मोलिकुलर फार्मूला निकालने के पहले हमको एन का वैल्यू पता होना चाहिए और एम्पिरिकल वैल्यू, एम्पिरिकल फार्मूला का वैल्यू पता होना चाहिए। दोनों मालूम रहेगा तो एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला से निकल जाएगा, बेसिक फार्मूला हमारे पास यही है। अब परसेंटेज के हिसाब से हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे पहले वो देखेंगे, फिर एन का वैल्यू और फिर ये मोलिकुलर फार्मूला। जब ये तीनों निकाल लेंगे तो आप इस टाइप के अदर क्वेश्चन जो दिए गए हैं आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जब तीन चीज़ है तो तीनों मिला करके आपका 100% होगा, दो गिवन परसेंटेज है तो इन दोनों को ऐड करके अगर 100 में से माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वही थर्ड का परसेंटेज होगा। तो वही काम किया गया कि 100 - 40 + 6.63, तो कितना हो गया 100 - 46.63 यानी 53.33% हो गया आपका परसेंटेज। अब इसके बाद एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में कुछ इस टाइप का रहता है कि जैसे आपको एलिमेंट जो दिया गया है लिख लेंगे, इसके बाद परसेंटेज लिख लेंगे, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए ये लिख लेंगे, और उसके बाद एटॉमिक रेशियो निकालना है कि एटम किस रेशियो में होंगे। तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मास, ये जो उसका परसेंटेज है और उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक रेशियो यहाँ पर क्या होता है कि जब परसेंटेज चाहे मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो वो आपको एटॉमिक रेशियो दे देगा। तो यहाँ पर जैसे 40 है और 12 एटॉमिक मास है, तो 40 को 12 से डिवाइड करें तो 3.33 आ गया। यहाँ पर 6.67% हाइड्रोजन है और उसका 1 होता है एटॉमिक मास, तो 1 से डिवाइड किए तो 6.67 आ गया।
यहाँ पर 53.33 आपका आया है ऑक्सीजन वाला, और इसका 16 होता है, तो इसको 16 से डिवाइड किए तो हमको 3.33 आ गया, यानी एक कॉमन पैरामीटर मिल गया आपको एटॉमिक रेशियो के रूप में कंपेरेबल। अब इसके बाद जो एटॉमिक रेशियो मिला है ये देख रहे हैं कि पॉइंट में है, और मोलिकुलर फार्मूला हम लिखते हैं तो पॉइंट में नहीं लिखते हैं, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे कि क्या होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या है कि जितना भी एटॉमिक रेशियो आपका आएगा उसमें सबसे छोटा वाला जो वैल्यू है उसी वैल्यू से सारे रेशियो को डिवाइड करते हैं। ध्यान देना है कि एटॉमिक रेशियो में जो सबसे छोटा वाला वैल्यू आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, उसी से सारे अलग अलग एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3.33 है और यही सबसे छोटा है, तो 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दिए तो इसका 1 आ गया। इसको 6.67 है, इसको डिवाइड करेंगे 3.33 से तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा, और ये 3.33/3.33 किए तो ये भी आपका 1 आ गया। हो सकता है कि आप सिंपलेस्ट रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे तो किसी में 1 आएगा और किसी में आपका कुछ पॉइंट भी आ सकता है, तो पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद भी आप देख लेंगे कि उसका किस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल कर लेना ताकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाए। ये तो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करने पर सबको अलग अलग मिला। अब इसके बाद अगर होल नंबर में है तो ठीक है, अगर होल नंबर में नहीं उसमें भी फ्रैक्शन आ रहा है तो उसमें फिर किसी खास कांस्टेंट से देख लेंगे कि स्मॉलेस्ट कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करें या क्या करके वो आपका सिंपल होल नंबर आ जाए। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर 1:1 दिया हुआ है, सिंपल रेशियो यही हो गया। और जनरली आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें सिंपल रेशियो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। जब ये सिंपल रेशियो मिल गया तो आप देख रहे हैं कि कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो जब हम इसको सजा करके लिखेंगे तो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिख सकते हैं, सी का 1, एच का 2 और ओ का 1। तो 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, तो द एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो CH2O। अब हमको कह रहा है तो एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया है, अब हमको n का वैल्यू चाहिए। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि जब एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया है तो उसका तो मास आराम से निकाल सकते हैं। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 × 1, और प्लस ऑक्सीजन है 16, तो 16 ऐड कर दिए, सबको ऐड किए तो हमारा हो गया 30। और हमको मोलर मास दिए, मोलिक्यूलर मास, यहाँ मोलर मास नहीं होगा, मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपको 60। तो मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है 60 या एम्पिरिकल फार्मूला मास आया आपको 30। तो आप n का फार्मूला भी पढ़ चुके हैं कि मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो 60 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो रिजल्ट आपका n का वैल्यू आ गया 2। अब n का वैल्यू 2 हो गया तो हम लोग मोलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखेंगे, तो मोलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n × एम्पिरिकल फार्मूला। तो यानी 2 और एम्पिरिकल फार्मूला जो लिखे हैं CH2O, तो अब इसको 2 से हर अलग अलग एटम को मल्टीप्लाई करके यहाँ नंबर लिख देते हैं, तो यहाँ 1 है तो C का 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है 2 जा हो जाएगा 4, तो H का 4 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन में यहाँ 1 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2, यानी C2H4O2 आपका मोलिक्यूलर फार्मूला उस एलिमेंट का हो गया। तो इस तरीके से आप एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिक्यूलर फार्मूला का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ टर्म है और इसमें देखते हैं। देखिए, अब एक एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के कैलकुलेशन के एग्जांपल के बाद उसमें और आप बनाइएगा, उसके बाद हम लोग एक बात करते हैं स्टोइकोमेट्री के बारे में। तो बेसिकली ये स्टोइकोमेट्री होता है आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक होता है स्टोइकियन और एक होता है मेट्रॉन। स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट या फर्स्ट प्रिंसिपल भी होता है, तो फर्स्ट जो कंपाउंड का या मैटर का सबसे शुरुआती चीज़ है वो एलिमेंट होता है, तो स्टोइकियन का मतलब हो गया एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट। तो आप स्टोइकोमेट्री का मीनिंग क्या हम निकालेंगे, तो वह प्रोसेस या वह स्टडी का प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड में
जो किसी रिएक्शन के द्वारा हो रहा है, कुछ बन रहा है, तो उसमें कितना कौन सा कंपाउंड लिया जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या कौन सा एलिमेंट कितना लिया जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला में तो हम एक कंपाउंड के परसेंटेज कंपाउंड या फार्मूला वगैरह के बारे में बात किए कि कितना कितना कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होगा एक कंपाउंड में विद इन वन मॉलिक्यूल, तो हम लोग निकालेंगे या उसका फार्मूला जनरेट किए। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन सा एलिमेंट कितना लिया जाएगा या कौन सा कंपाउंड रिएक्टेंट कितना लिया जाएगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, या इतना प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमको कितना लेना पड़ेगा रिएक्टेंट, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंपल में उसको डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटी के हिसाब से रिलेशनशिप लेना है हमको, बिटवीन सब्सटेंसेस अंडरगोइंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। यानी जब कोई केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें कुछ सब्सटेंस लिए जाएंगे रिएक्टेंट के रूप में, उनसे कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में मास के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से जो रिलेशनशिप है उन्हीं के स्टडी को हम लोग स्टोइकोमेट्री बोलेंगे। सिंपल डिफिनेशन हो गया। अब इस स्टोइकोमेट्री में हम कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं तो एक जनरल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अमोनिया एज बिलो। ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको कि 3H2, यहाँ पर जी लिखे हैं स्मॉल लेटर में, गैस बताता है, आप फिजिकल स्टेट लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो कोई जरूरी नहीं है। तो 3H2 प्लस N2 और बन रहा है 2NH3। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कह रहा है कि इफ 200 ग्राम ऑफ H2 यानी 200 ग्राम हाइड्रोजन गैस अगर रिएक्ट कर रही है नाइट्रोजन के साथ, तो देन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अमोनिया फॉर्म। नाइट्रोजन कितना है ये कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 200 ग्राम आपको हाइड्रोजन लेना है, नाइट्रोजन सफिशियंट है उसके साथ रिएक्शन कर रही है, तो अमोनिया जो बनेगा वो कितना अमाउंट में बनेगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि मोल के हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर दिया रहता है किसी भी मोलिकुलर फार्मूला के जस्ट बिफोर जो नंबर दिया जाता है तो वो मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन कि 3H2 प्लस N2 इक्वल्स टू 2NH3, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस का 3 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल लिया जाए तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा, या इसके 3 मोलिक्यूल 1 मोलिक्यूल, तो जो यूनिट इधर यूज करेंगे वो उधर करेंगे ग्राम। तो अब देखिए मोलिक्यूल के हिसाब से चल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन जो दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर मास दिया हो, नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या करेंगे, मास डिवाइडेड, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास है आपका 200 और आपका H2 है, तो H2 का मोलर मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है लेकिन H2 है तो 2×1 यानी 2 हुआ, तो 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100 मोल हो गया। तो कहने का मतलब कि 200 ग्राम लिए तो मोल में वो 100 मोल के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि हम इक्वेशन जो दिया गया है इसको लिखते हैं 3H2 प्लस N2 2NH3। जी हम नहीं लिखेंगे गैस के लिए, कोई मतलब हमको नंबर ऑफ मोल से मतलब है। तो यहाँ क्या बताया कि अगर ये 3 मोल लिया जाए, इसको 1 मोल लिया जाए तो ये आपका 2 मोल बनेगा। तो अब हमको देखना है हाइड्रोजन और अमोनिया के बारे में, क्वेश्चन में जो कहा गया है हाइड्रोजन और अमोनिया के बारे में कहा गया है, नाइट्रोजन का कोई फिक्स परसेंटेज होगा कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 3 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो रिएक्शन के बाद 2 मोल अमोनिया बनता है, और आप पहले जान चुके हैं कि मोल से कुछ भी निकालना, नंबर निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, मास निकालना हो, आसान होता है। तो पहले हम मोल में बात कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 3 मोल H2O तो ये किसके बराबर होगा, तो 2 मोल NH3 के बराबर होगा। तो जब 3 मोल H2O 2 मोल NH3 के बराबर होगा, तो अगर ये 1 हमको दिया है चूंकि, तो इसका 1 पहले निकालेंगे, जैसे यूनिटरी मेथड में आप निकालते हैं कि 1 मोल H2O तो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2/3 मोल NH3 के बराबर हो जाएगा। और जब ये 1 मोल 2/3 मोल ऑफ NH3 के बराबर हुआ तो हमको दिया है हाइड्रोजन कितना, 100 मोल, तो 100 मोल H2O कितना हो जाएगा, तो 2/3×100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 3 मोल NH3 हो गया। तो अब हमको
ये तो मोल में आया कि 200/3, और हमको क्वांटिटी है तो क्वांटिटी ग्राम में बताना जरूरी होता है। तो आप NH3 का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे कि कितना चाहे मोलर मास उसका निकाल लेंगे, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1 यानी 3 + 14 तो 17 हुआ। तो हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि 200/3 × 17 ग्राम NH3। अब इसको ये कर दिए तो 3400/3 ग्राम NH3 हुआ, आप डिवाइड कर दिए तो 1133.33 ग्राम NH3 मिलेगा। अब इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, आप सिंपली थोड़ा सा सोच करके आप बना सकते हैं। अगर इस टाइप के एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एक और चीज़ है कि इसमें यहाँ पर एक टर्म की बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि 200 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हमको अमोनिया उतना बना। अब उसके लिए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कि नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड है। तो नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 है रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो 3 मोल के लिए जब 1 है तो यहाँ 100 मोल के लिए कितना होगा, तो 100/3 होगा। 100/3 को कहा जाए मास के हिसाब से कहा जाए तो मास में 14 होता है नाइट्रोजन का, तो 14 × 100/3 हो सकता है यहाँ पर, जैसे 14 × 100/3 उसका जितना मास आया, तो 14 × 100 करेंगे तो 1400/3 ग्राम आपका 200 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नेसेसरी है। तो अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि हम उससे ज़्यादा मास ले लेते हैं तब क्या होगा, या उस रिक्वायर्ड मास यहाँ जो इसका मास आया रिक्वायर्ड मास इसके लिए हमारा आया था कि 1400/3 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, आपको नाइट्रोजन चाहिए था। तो अगर इस नाइट्रोजन से कम अमाउंट में हम नाइट्रोजन लें तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये 200 में से कुछ हाइड्रोजन बच जाएगी। अगर हम लोग इस नाइट्रोजन के अमाउंट को 1400/3 ग्राम से ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में कुछ नहीं होगा। आपने इसमें दिया है कि जैसे दो रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, मास के हिसाब से हाइड्रोजन कम है नाइट्रोजन आपका ज़्यादा लग रहा है, तो जो भी सब्सटेंस आप दिए हैं तो उस रिएक्शन में हाइड्रोजन जितना है उतना अपने ज़्यादा वाले मास से लेकर के कंपेयर करके जितना बनाना है, यानी 200 ग्राम से इतना ही ग्राम आपका अमोनिया बनेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ नाइट्रोजन बचेगा वो नाइट्रोजन आपका एज यूजुअल रह जाएगा। तो एज यूजुअल रह गया तो इसी में अगर दो सब्सटेंस लिए जाते हैं रिएक्टेंट, तो उसमें कोई जनरल रिएक्शन में ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों उतने ही अमाउंट में लिए जाएं जो एक दूसरे के रिएक्शन के लिए ज़रूरी हो, तो उस केस में देखा जाता है कि जो कम अमाउंट में सब्सटेंस लिया गया है वो रिएक्शन कंटिन्यू करता है अपना, तब तक करता है जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता। आज जैसे ही वो रिएक्शन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि उसके लिए दो अगर रॉ मटेरियल चाहिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन चाहिए, तो अगर आपका हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाए जितना लिया गया है, तो हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाएगा तो रिएक्शन बंद। उसी तरीके से कभी नाइट्रोजन समाप्त हो गया तो रिएक्शन बंद। तो जो सब्सटेंस समाप्त होकर के रिएक्शन को बंद कर देता है उसी को हम उसका लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो एक टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं स्टोइकोमेट्री के बाद कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएजेंट होता है, ऐसा रिएक्टेंट होता है जो अपने एब्सेंस से, जो समाप्त होकर के, जिसके खत्म होने के कारण रिएक्शन अपने आप बंद हो जाता है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो टर्म में आपको डिफिनेशन दिया हुआ है, सिंपली डिफिनेशन याद रखिएगा इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर दोनों क्वेश्चन, जो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला है, या फिर स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बनाइएगा। इसके बाद
अगली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के हम आएंगे, पहले कॉन्सेप्चुअल बेसिस के लिए, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के कंसंट्रेशन को मोलरी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मास परसेंटेज के आधार पर, मोलरिटी के आधार पर, मोलरिटी के आधार पर, नॉर्मलिटी के आधार पर, उस सारे टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो आप चैनल को देखते रहिए, चैनल से जुड़िए, अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप प्रैक्टिस करके अपने स्टडी को रेगुलर बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।